नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे कार्यक्रम आशाएं में, और मैं हूँ किरण, यानी कि आपकी आशा की किरण। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं। मैं तो नहीं पीता हूँ, मैंने तो नहीं पी है। कौन है बे? हट जा सामने से, मैं कहता हूँ। अबे अंधा हो गया क्या? हट जा, मैं कहता हूँ। जवाब ही नहीं तो नलायक बेटा। ओह, पानी भरने जा रहे थे बेटा, तो जाओ। तुम नहीं हटते तो हम खुद हट जाते हैं। पता नहीं क्या बात है, जब बर्दाश्त नहीं होती है तो लोग इतना पी क्यों लेते हैं और हम जैसे शरीफों को परेशान करते हैं। अगर मैं हटता नहीं तो झगड़ा हो ही गया था। क्यों, कैसी गई है? ये कौन बोला भाई? ये बाहर वाली पार्टी है। अंदर वाले कहाँ है? क्या है रे, तू यहाँ फिर नशे में चला है? अजीब बात है, मेरा ही नशा सबको खटकता है, हालांकि सारी दुनिया नशे में है। किसी को ताकत का नशा, किसी को दौलत का, तुझे जवानी का नशा, और आजकल कुर्सी वाला नशे में जो काम दिखा रहा है ना, उसका तो जवाब ही नहीं। कई बार कहा है, तू यहाँ चढ़ा के मत आया कर। चढ़ा के कौन गधा आया है? इस शराबी को उठाकर बाहर फेंक दो, ये कहा था गुरुदत्त जी ने नवकेतन फिल्म्स के स्टाफ से, और वाकई में उस शराबी को बाहर कर दिया गया। हालांकि वो कोई शराबी नहीं था, वो थे बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो उस वक्त तक जॉनी वॉकर नहीं बने थे। तो क्या था ये किस्सा, चलिए जानते हैं। बात यह है कि बलराज साहनी जी ने एक दिन बद्रुद्दीन काजी को बस में देखा था। उन दिनों बद्रुद्दीन बस कंडक्टर हुआ करते थे, और टिकट बनाते वक्त वो तरह तरह की आवाजें निकालकर लोगों का मनोरंजन करते थे। उनका वही अंदाज बलराज साहनी जी को पसंद आ गया। एक दिन बलराज साहनी बद्रुद्दीन को अपने साथ लेकर पहुंच गए नवकेतन फिल्म्स के ऑफिस। वहां उन्होंने गुरुदत्त की ओर इशारा करते हुए बद्रुद्दीन से कहा, देखो वो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका नाम गुरुदत्त है, अगर तुमने उन्हें पटा लिया तो तुम्हारा काम बन गया समझो। बद्रुद्दीन ने सोचा कि वो ऐसा क्या करे जिससे ये डायरेक्टर खुश हो जाए, वो फिल्मों में तो काम करना ही चाहते थे, चंद फिल्मों में वो क्राउड का हिस्सा भी बन चुके थे, लेकिन अब तो चांस था कि उन्हें फिल्म में कोई रोल मिल जाए। बद्रुद्दीन को याद आया कि कुछ साल पहले वो माहिम के मेले में रात को साइकिल पर घूमते हुए तरह तरह की आवाजें निकालकर सामान बेचते थे, और तब वो शराबी की नकल भी करते थे। बद्रुद्दीन ने उसी शराबी की एक्टिंग करने का फैसला किया। वो शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए नवकेतन फिल्म्स के ऑफिस में घुसे और गुरुदत्त जी को परेशान करने लगे। थोड़ी देर तक तो गुरुदत्त उस अनजान शराबी को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटा। उन्होंने नवकेतन पिक्चर्स के स्टाफ से कहा कि इस शराबी को यहाँ से भगाओ, उठाकर बाहर फेंक दो। बद्रुद्दीन को जब स्टाफ ने बाहर निकाल दिया तो बलराज साहनी उन्हें फिर से अपने साथ लेकर गुरुदत्त जी के पास गए और बोले, गुरु ये शराबी नहीं है, ये तो शराबी की एक्टिंग कर रहा था, अगर तुम्हें इसकी एक्टिंग किसी काम की लगी हो तो बाजी में इसे कोई रोल दे दो। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, इनका ये जोर जुल्म किसी ने ना देखा,
हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे हाय रे सबने देखा जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। अरे वाह वाह, किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। यारो हमें तो नोट टांग का नशा है। हम जो थर्ड सिपी के जरा झूमे हरे सामने देखा जंगल में, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है। हम जो थोड़ी सिपी के जरा झूमे हरे सामने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। ये गाना आपने सुना फिल्म मधुमति से, जो 1958 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत सलिल चौधरी का था और पढ़ते पढ़ते जॉनी वॉकर और प्राण। तो किस्से को आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ कि बदरुद्दीन की शराबी वाली एक्टिंग गुरुदत्त जी को वाकई पसंद आ गई। वो बदरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रोल तो है लेकिन एक ही सीन का रोल है। जेल में देवानंद को एक शराबी चिट्ठी देता है, अगर वो रोल करना चाहो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। देवानंद जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका भला कोई कैसे ठुकरा सकता था। तो बदरुद्दीन ने भी कहा कि वो बिल्कुल शराबी का रोल निभाएंगे, उन्हें खुशी होगी वो रोल निभाकर। और इस तरह गुरुदत्त साहब की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी से बदरुद्दीन काजी का भी एक्टिंग का सफर शुरू हो गया। बाजी सन 1951 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट रही। फिल्म में एक ही सीन में दिखे बदरुद्दीन को लोगों ने बड़ा पसंद किया। वास्तव में उसी सीन से बाजी फिल्म में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आता है, इसलिए दर्शकों की नजरों में बदरुद्दीन चढ़ गए। उनकी चर्चा सिने लवर्स के बीच होने लगी। लोग नवकेतन के ऑफिस में फोन करके पूछने लगे कि वो शराबी कौन था, अब कौन सी फिल्म में दिखेगा वो, वगैरह वगैरह। नवकेतन फिल्म्स की अगली फिल्म अनाउंस की थी टैक्सी ड्राइवर, और क्योंकि देवानंद जी भी बदरुद्दीन से बहुत खुश थे तो उन्होंने तय कर लिया था कि टैक्सी ड्राइवर में भी वो बदरू को किसी ना किसी रोल में जरूर लेंगे। दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू की, उन्होंने आर पार फिल्म अनाउंस की और उन्होंने भी बदरुद्दीन से कहा कि इस फिल्म में भी तुम काम करोगे और इसमें तुम्हारा रोल अच्छा खासा लंबा होगा। गुरुदत्त ने तो ये भी कहा कि वो इस फिल्म में बदरुद्दीन के ऊपर एक गाना भी फिल्माएंगे। जरा रुक जा प्यारे रुक जा, आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, ओ जरा रुक जा प्यारे रुक जा। बुरा होता है राहों में मचलना, अजी अच्छा है रुक रुक चलना। बुरा होता है राहों में मचलना, अजी अच्छा है रुक रुक चलना। सुन प्यारे इतराए काहे, ओ यारों से कतराए काहे, आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, ओ जरा रुक जा प्यारे रुक जा। Thank you.
राजा कब से पुकारे तुझे बंदा, तेरे दम से चले है मेरा धंधा। आजा कब से पुकारे तुझे बंदा, तेरे दम से चले है मेरा धंधा। आजा तेरी सर्विस करें, ओ फिर किस्मत की थैली भरे। आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, ओ जरा रुक जा प्यारे रुक जा। हाथों का जादू जो दिखा दूं, तुझे घर तक अभी मैं पहुंचा दूं। इन हाथों का जादू जो दिखा दूं, तुझे घर तक अभी मैं पहुंचा दूं। बिगड़ी हो तो बना दे आजा, तो रुकती हो तो चला दे आजा। आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, ओ जरा रुक जा प्यारे रुक जा। आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, ओ जरा रुक जा प्यारे रुक जा, जरा रुक जा। ये गाना आपने सुना फिल्म सितारों से आगे से। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी और इसके मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार और विजयंती माला। ये गाना जॉनी वॉकर पे फिल्माया गया था। गाया था मोहम्मद रफी ने, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत सचिन देव बर्मन का था। तो अब जीवन में अचानक से आए इन बदलावों से बद्रुद्दीन बड़े खुश थे। उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लगा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक उनका कोई नाम नहीं तय हुआ था। बाजी में वो दिखे जरूर थे, मगर उनका कोई नाम उस फिल्म में नहीं दिया गया था, यानी क्रेडिट्स में बद्रुद्दीन का जिक्र भी नहीं किया गया था। इस बारे में कई लोगों ने सोचा कि बद्रुद्दीन का फिल्मी नाम क्या होना चाहिए। बद्रुद्दीन नहीं चाहते थे कि उनका असली नाम यानी बद्रुद्दीन काजी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो नाम फिल्मी नहीं धार्मिक नाम ज्यादा लगता था। एक दिन देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद ने बद्रुद्दीन से कहा कि तुम्हारे लिए ऐसे फोन्स आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि वो शराबी कौन था, क्यों ना तुम कुछ ऐसा ही नाम रखो जो शराब से ही मिलता जुलता हो। कुछ देर की माथापच्ची के बाद तय हुआ कि बद्रुद्दीन का फिल्मी नाम होगा जॉनी वॉकर, जो एक विस्की का नाम है। वो नाम गुरुदत्त जी को भी पसंद आया और खुद बद्रुद्दीन को भी अच्छा लगा, और इस तरह बद्रुद्दीन काजी बन गए जॉनी वॉकर। इस नाम से जो पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई थी वो थी गुरुदत्त की आर पार। उसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर और वो दोनों फिल्में भी बहुत हिट रहीं। फिर तो बद्रुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, तो मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। और तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। एक मुल्क की सुनो कहानी, मिली वहां एक हुस्न की रानी। जब तक था गलदार जेब में तब तक थी हर बात सुहानी। एक दिन बोली सुनो सनम, माल हजम और खेल खत्म, चली गई वो मुझे छोड़ कर देके ठंडा पानी।
मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। मुल्क गया मैं यार, मिल गई एक बाकी सरकार, खूब हुआ पहले तो प्यार, बाद में मुझको हुआ बुखार। एक दिन बोली जानी यार, हम जाता तुम है बीमार, साथ किसी के भाग गई वो देकर ठंडा पानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घूम के बना हूँ हिंदुस्तानी। और तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। पीछे मुल्क का देखो पोल, मिल गई मैडम तालम टोल, गया डावा डोल। चोरों की वो साथी निकली, कर गई मेरा बिस्तर गोल, सारा माल उड़ा कर ले गई, दे गई ठंडा पानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों भाई, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। जानी हिंदुस्तान में आया, देखी चंपा दिल ललचाया, जाके मिला उसकी अम्मा से, शादी का पैगाम टिकाया, हो गई शादी मिल गई चंपा, दस कहाया, इसका सच्चा प्यार देख के बन गया हिंदुस्तानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। अरे तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। ये गाना आपने सुना फिल्म माई बाप से, जो सन 1957 में रिलीज हुई थी। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी ने, लिखा था कमर जलालाबादी ने, फिल्माया गया था जॉनी वॉकर और मीनू मुमताज पर, और संगीत दिया था ओ पी नैयर ने। बदरुद्दीन काजी यानी कि जॉनी वॉकर का जन्म हुआ था 11 नवंबर सन 1926 में। मैं आपको बताती हूँ 1996 की एक बात। जॉनी वॉकर अपने बेटे नासिर खान के साथ चेन्नई जा रहे थे, वहां उन्हें चाची 420 फिल्म की शूटिंग करनी थी। जॉनी वॉकर जब प्लेन में थे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, वो बार बार अपने बेटे का हाथ पकड़कर घबराहट में उससे पूछते, सब ठीक हो जाएगा ना नासिर, कुछ होगा तो नहीं। नासिर ने जॉनी साहब को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा डैडी, सब पुरानी बातें हैं। तू जानता नहीं नासिर, तू नहीं जानता, जॉनी साहब ने अपने बेटे नासिर से कहा। तो क्या जॉनी वॉकर को प्लेन में डर लगता था? क्या उनके साथ प्लेन में कभी कुछ हुआ था जो उस दिन प्लेन में बैठते हुए इतना डर लग रहा था, या कोई और ही बात थी? कहानी यहाँ से कुछ साल पीछे जाती है। ये उन दिनों की बात है जब जॉनी वॉकर अपने करियर के शिखर पर थे। उन दिनों जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स ने हिंदी फिल्में बनानी शुरू की तो वे हिंदी कलाकारों को शूटिंग के लिए चेन्नई ही बुलाते थे। उस जमाने में जॉनी वॉकर भी साउथ में बनी बहुत सारी हिंदी फिल्मों का हिस्सा थे। 60 के दशक की शुरुआत में तो एक फिल्म की शूटिंग के लिए जब चेन्नई
जो तब मद्रास हुआ करता था वहां पहुंचे तो 2-3 दिन बाद ही उनके भतीजे की मौत हो गई। भतीजे की मौत की खबर मिली तो जॉनी साहब को शूटिंग छोड़कर वापस मुंबई आना पड़ा। कुछ महीनों बाद जब जॉनी वॉकर चेन्नई में ही किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का इंतकाल हो गया है। एक दफा फिर से जॉनी वॉकर जी को शूटिंग को बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ा। मगर कुछ महीनों बाद वो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई फिर से गए तो होटल पहुंचते ही उन्हें एक और बुरी खबर मिली। जॉनी साहब होटल में अपने कमरे में दाखिल हुए ही थे, उनका बैग भी अभी उनके हाथों में ही था कि कमरे में मौजूद टेलीफोन बज पड़ा। जॉनी साहब ने फोन उठाया, बैग उनके हाथ में ही था। फोन उठाकर जैसे ही जॉनी वॉकर ने हेलो बोला, उधर से आवाज आई, जॉनी गुरुदत्त नहीं रहे। वो 10 अक्टूबर सन 1964 का दिन था। गुरुदत्त साहब की मृत्यु की खबर से जॉनी सदमे में आ गए। गुरुदत्त उनके जिगरी दोस्त थे। उनकी मौत की खबर ने जॉनी वॉकर को बेहद दुखी कर दिया। वो फौरन होटल से निकले और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट आ गए। उसके बाद जब जॉनी वॉकर मुंबई लौटे तो फिर उन्होंने कभी चेन्नई वापस ना जाने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले से उनके करियर पर काफी बुरा असर पड़ा क्योंकि उस दौर में साउथ में बनने वाली ज्यादातर हिंदी फिल्में बड़े बजट की फिल्में होती थीं। प्रोफेशनली जॉनी साहब को चेन्नई ना जाने की वजह से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो चेन्नई फिर से गए तो पता नहीं क्या बुरी खबर उन्हें मिले। जॉनी वॉकर ने तो चेन्नई की फिल्में साइन करना ही बंद कर दिया। कुछ फिल्में जो उन्होंने पहले से ही साइन की थीं, उनके मेकर्स से जॉनी वॉकर ने ये कह दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप बॉम्बे में ही शूटिंग कंप्लीट कर लो। सालों बाद उन्होंने जब कमल हसन की चाची 420 साइन की तब उन्हें पता नहीं था कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए भी उन्हें चेन्नई ही जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे अब तो उन्हें चेन्नई जाना ही था। और यही वजह थी कि जब बेटे नासिर खान के साथ वो 1996 में चेन्नई जा रहे थे तो फ्लाइट में इतना ज्यादा घबरा रहे थे। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में, देखो हमारा नाम न लेना अब अपने दीवानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। दुनिया का हुस्न है मालिक, उस दुनिया में क्या रहते, जिस दुनिया का हुस्न है मालिक उस दुनिया में क्या रहते। ओ जुल्फों वालों नाज तुम्हारे, आखिर कब तक हम सहते। तुम महलों में मस्त रहो, हम कुदरत के मैखानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। भला हुआ ना कभी किसी का इश्क की झूठी बस्ती में, अरे भला हुआ ना कभी किसी का इश्क की झूठी बस्ती में। अच्छा हुआ के रोग ये छूटा, अब गुजरेगी मस्ती में। ना दिल में अरमान ही होंगे, ना हलचल अरमानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में।
खुशी से काम हमें ना मतलब है बर्बादी से। अब न खुशी से काम हमें ना मतलब है बर्बादी से। आप बजाए अपनी बंसी नगर नगर आजादी से। कोई जिए या मर जाए हम मस्त हैं अपनी तानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया हम जो जले वीरानों में। ओ देखो हमारा नाम न लेना अब अपने दीवानों में। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी खोटा पैसा। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्माया गया था जॉनी वॉकर पर। इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था मदन मोहन का। फिल्म चाची 420 की शूटिंग की ही कुछ और बात भी मैं आपको बताती हूँ। जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए जॉनी वॉकर साहब अपने बेटे नासिर खान के साथ चेन्नई गए तो चेन्नई में उन्हें एक 5-स्टार होटल में ठहराया गया। पहली रात होटल में ठहरने के बाद जॉनी वॉकर साहब ने अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अपने बेटे नासिर को जगा दिया। नासिर ने हैरानी से उनसे पूछा, क्या हुआ डैडी? जॉनी वॉकर बोले, 7 बज गए हैं, हमें शूटिंग पर जाना है। बेटे नासिर खान ने कहा, लेकिन शिफ्ट तो 9 बजे की है, फिर इतनी जल्दी क्यों है? जॉनी साहब बोले, नहीं नहीं, हमें वक्त पर पहुंचना है, फटाफट नाश्ता मंगा। रूम सर्विस पर कॉल करके नाश्ता मंगाया गया और फिर तैयार होकर 8 बजे जॉनी साहब ने नासिर से कहा कि फटाफट गाड़ी मंगा लो। नासिर ने फिर कहा कि इतनी जल्दी स्टूडियो जाकर हम क्या करेंगे, लेकिन जॉनी वॉकर ने उनको चुप करा दिया और फौरन गाड़ी बुलाने का ऑर्डर दिया। गाड़ी आई और 15 मिनट में ये लोग स्टूडियो पहुँच गए। स्टूडियो पहुँचते ही जॉनी साहब मेकअप रूम में घुस गए। पता चला अभी तो मेकअप वाला भी नहीं आया है। उन्होंने खुद ही अपना मेकअप करना शुरू कर दिया और फिर पूरी तरह तैयार होकर ठीक 8:55 पर जॉनी साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बेटे नासिर से कहा कि डायरेक्टर को बता दो मैं आ गया हूँ। उनका बेटा नासिर खान दुविधा में आ गया। वो बताते तो किसे बताते, वहाँ तो कोई था ही नहीं। दरअसल में फिल्म के डायरेक्टर खुद कमल हसन साहब ही थे और क्योंकि उन्हें औरत का मेकअप लेना पड़ता था तो वो उस मेकअप लेने में बहुत टाइम लगाते थे, बहुत देर हो जाती थी, इसलिए अक्सर वो सेट पर बहुत देरी से पहुँचते थे। खैर जब कमल हसन आए तो उन्हें पता चला कि जॉनी साहब 8 बजे से बैठे हैं। कमल हसन ने सोचा कि शायद उनके असिस्टेंट ने जॉनी वॉकर को गलती से जल्दी बुला लिया है। कमल हसन ने अपने असिस्टेंट की क्लास भी लगा दी, फिर उस दिन का शूट कंप्लीट कर लिया। जॉनी वॉकर अपने बेटे नासिर के साथ होटल वापस आ गए। अगले दिन उन्होंने फिर नासिर को सुबह 7 बजे जगा दिया और फिर वही एक दिन पहले वाला सारा घटनाक्रम रिपीट हुआ। नासिर खान काफी हैरान थे। अगले 2-4 दिन भी जॉनी वॉकर ने ठीक वही किया। वो रोज सुबह नासिर को जगाते और नाश्ता करके ठीक 8 बजे होटल से निकल जाते और 8:50-8:55 तक तैयार होकर अपनी कुर्सी पर बैठकर कहते कि डायरेक्टर को बता दो मैं रेडी हूँ। हार कर यूनिट के लोगों ने ही जॉनी वॉकर से कहा कि सर आपको कॉल टाइम दिया जाएगा, आप इतनी सुबह आने की परेशानी मत उठाइए। उस दिन जॉनी साहब के बेटे नासिर खान ने उनसे पूछ ही लिया, आप क्यों रोज इतनी सुबह आ जाते हैं जबकि आप भी देखते हैं कि शूटिंग देर से ही स्टार्ट होती है। तब जॉनी वॉकर बोले, मुझे 9 बजे की शिफ्ट बताई गई है तो मेरा ये फर्ज है कि 9 बजे से पहले ही रेडी हो जाऊं। मैंने आज तक ऐसे ही काम किया है और मुझे यही आता है, मैं आगे से भी ऐसे ही काम करूँगा। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर है बाय। Thank you.
कभी खाली गया ना निशाना, मुझसे टकराएगा क्या जमाना। कभी खाली गया ना निशाना, मुझसे टकराएगा क्या जमाना। आए रे दुनिया और दुनियादारी, आखिर पड़ा सर झुकाना। पापा, अरे कब? ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अलटन पलटन फौज है मेरे घर की, पर साथ हमारे तोप का गोला बहुत नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय। गीत गाते हुए हम चले हैं, ये ना पूछो बड़े दिल जले हैं। गीत गाते हुए हम चले हैं, ये ना पूछो बड़े दिल जले हैं। दिल में बिठा लो ऐ दुनिया वालों, हम भी बड़े मन चले हैं। पापा, है तेरे की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अलटन पलटन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला बहुत नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय। ये गाना आपने सुना फिल्म चोरी चोरी से, जो 1956 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था मोहम्मद रफी ने, लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। अब किस्सा यूं है कि एक दफा जॉनी वॉकर के बेटे नासिर खान के पास किसी एड एजेंसी का फोन आया। नासिर खान ने बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया था। वो एड एजेंसी वाले नासिर को किसी एड में बतौर मॉडल साइन करना चाहते थे। जिस विज्ञापन के लिए वो एजेंसी नासिर को साइन करना चाहती थी, उसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में कहीं पर होनी थी। नासिर की पूरी बात हो गई थी, पैसे की भी डील फाइनल हो गई थी, लेकिन आखिर में उन्होंने नासिर से कहा कि ठीक है सर, हम आपको ट्रेन की टिकट भेज देंगे, आप आ जाइएगा। ट्रेन का नाम सुनकर नासिर खान का माथा ठनका। उन्होंने कहा कि ट्रेन की टिकट क्यों, मुझे प्लेन की टिकट भेजिए, मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता। एड एजेंसी वालों ने कहा कि सर, हमारे पास बजट की कमी है, फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा महंगी है, आपको ट्रेन से ही आना पड़ेगा। इस बात पर नासिर की फोन करने वाले एड एजेंसी के एग्जीक्यूटिव से बहस हो गई और गुस्से में नासिर ने फोन काट दिया। फिर नासिर जैसे ही घूमे, उन्होंने देखा कि पीछे उनके पिता जॉनी वॉकर साहब खड़े हैं। जॉनी वॉकर ने बेटे नासिर खान को कुछ सेकंड्स के लिए घूरा और फिर उससे पूछा कि क्या हुआ। नासिर खान ने जब पूरा माजरा बताया तो जॉनी वॉकर उनसे बोले, तो है कौन? नासिर खान को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना था। उन्होंने कहा, क्या? जॉनी वॉकर ने फिर से पूछा, नासिर तो है कौन? नासिर ने पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं डैडी? तब जॉनी वॉकर बोले, बेटा काम मांगो, भीख मत मांगो, उनको लगता है कि तेरी हैसियत ट्रेन वाली ही है, तभी तो वो तुझे ट्रेन से बुला रहे हैं। मेहनत कर, नाम बना, इतना नाम बना कि बिन मांगे तुझे फ्लाइट की टिकट लोग भेजें। पहले इकोनॉमी क्लास की आएगी, फिर बिजनेस क्लास की आएगी और एक दिन फर्स्ट क्लास की भी आएगी। उस दिन जो सीख पिता जॉनी वॉकर ने अपने बेटे नासिर खान को दी थी, वो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखी। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। Go!
कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नामो निशान जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान दिल मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस बेकारों के है कई काम यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस एक चीज के है कई नाम यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान बुरा दुनिया वो है कहता ऐसे भोला तो न बन जो है करता वह भरता है यहाँ का ये चलन बुरा दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन जो है करता वह भरता है यहाँ का ये चलन दादागीर नहीं चलने की यहाँ ये है बॉम्बे मेरी जान ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान ऐ दिल है आसा जीना सुनो मिस्टर सुनो बंधु ये है बॉम्बे मेरी जान दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान ये गाना था फिल्म सीआईडी से जो सन 1956 में रिलीज हुई थी इसे गाया था मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने संगीत ओपी नैयर का था और पर्दे पर थे जॉनी वॉकर और कुमकुम मैंने आपको पहले ही बताया था इस प्रोग्राम में कि फिल्मों में आने से पहले ये जॉनी वॉकर साहब बेस्ट में नौकरी करते थे एक बस कंडक्टर की तरह तो आप जान के हैरान होंगे कि हिंदी सिनेमा के ये महानतम कॉमेडियन में से एक जॉनी वॉकर ने इस बस कंडक्टर की नौकरी पाने के लिए भी एक जुगत लगाई थी और ये उन्हें मजबूरी में लगानी पड़ी थी दरअसल में बचपन में जॉनी वॉकर की बाईं आंख में कुछ परेशानी आई उनके माता पिता उन्हें इलाके की डिस्पेंसरी में लेकर गए लेकिन उस डिस्पेंसरी में डॉक्टर ही नहीं था वहाँ कंपाउंडर बैठा हुआ था कंपाउंडर ने बदरुद्दीन यानी जॉनी वॉकर की परेशानी सुनी और कहा कि मैं आंख में दवाई डाल देता हूँ दिक्कत ठीक हो जाएगी कंपाउंडर ने उनकी आंख में दवाई तो डाली लेकिन उसने गलती से आंख की जगह कान की दवाई जॉनी की आंख में डाल दी जब उनकी आंख में जलन मची तो कंपाउंडर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है दवाई से थोड़ी परेशानी तो होती ही है तुम बेफिक्र होकर घर जाओ दो तीन दिन बाद जॉनी वॉकर की आंख में दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई बाईं आंख से उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था लेकिन उसका और प्रॉपर इलाज तब नहीं हो सकता था और बदरुद्दीन जब बड़े हुए और उन्होंने बेस्ट में जब बस कंडक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उन्हें पता चला कि वहां मेडिकल टेस्ट होते हैं तब उन्हें लगा कि उन्हें ये नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि
मेडिकल टेस्ट में जब आई टेस्ट होगा तब तो वो फेल हो जाएंगे, पर क्योंकि उस वक्त नौकरी की उन्हें बहुत जरूरत थी, उनके दिमाग में एक तरकीब आई। मेडिकल जांच से एक दिन पहले वो सुबह जल्दी बेस्ट के ऑफिस पहुंचे और मेडिकल रूम में जाकर आंखों के डॉक्टर की कुर्सी के पास लगे चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लिया। और चूंकि ईश्वर ने जॉनी वॉकर को कमाल की याददाश्त तोहफे में दी थी, तो उन्होंने अपनी दाई आंख पर हाथ रखकर उन्होंने उस चार्ट में लिखे हिंदी और अंग्रेजी के सभी अक्षरों को अच्छे तरीके से याद कर लिया था। वो पूरा चार्ट उनके दिमाग में छप गया। अगले दिन जब वो मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंचे और उनकी आंख की जांच का वक्त आया, तो डॉक्टर ने उनकी दोनों आंखों का टेस्ट शुरू किया। पहले डॉक्टर ने उनकी बाई आंख एक हाथ से बंद कराई और चार्ट पढ़ने को कहा। दाई आंख में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, इसलिए जॉनी ने बिना किसी परेशानी के तुरंत वो चार्ट पढ़ डाला। अब बारी आई बाई आंख से वो चार्ट पढ़ने की। जॉनी वॉकर ने अपनी दाई आंख बंद की और वो चार्ट जो एक दिन पहले वो रट कर गए थे वो एक सांस में पूरा पढ़ डाला और इसमें काम आई उनकी शार्प मेमोरी यानी कि तेज याददाश्त। बाई आंख से उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन अपनी शार्प मेमोरी की मदद से जॉनी उस मेडिकल टेस्ट में पास हो गए और इस तरह जॉनी वॉकर को बेस्ट में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई जो उन्होंने 2 साल तक की थी। देखो जी देखो मीठी यादा से जलने वाले जले अपने बल्ला से। हाँ देखो जी देखो मीठी यादा से जलने वाले जले अपने बल्ला से। हाँ देखो जी देखो इधर उधर क्या दुनिया का हमको डर क्या देखें इधर उधर क्या हम हो चुके दीवाने अपनी हमें खबर क्या बोलो सेवा तुम्हारे आए हमें नजर क्या बोलो सेवा तुम्हारे आए हमें नजर क्या। देखो जी देखो मीठी अदा से जलने वाले जले अपनी पला से। हाँ देखो जी देखो मीठी आता से जलने वाले जले अपनी बल्ला से। हाँ देखो जी देखो। ये गाना आपने सुना माई बाप से जो 1957 में रिलीज हुई थी। पर्दे पर थे जॉनी वॉकर और मीनू मुमताज। संगीत ओपी नैयर का था। इसे गाया था मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने और गाने को लिखा था जान निसार अख्तर ने। और जो लोग मेरा ये प्रोग्राम फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि जब मैंने कॉमेडियन महमूद साहब पर प्रोग्राम किया था तब मैंने आपको बताया था कि मीनू मुमताज महमूद की सगी बहन थी। इन्होंने कुछ एक पिक्चरें साथ की थी लेकिन मीनू मुमताज की सबसे अच्छी जोड़ी बैठी थी जॉनी वॉकर के साथ। और अब मैं बात करती हूँ फिल्म आनंद की।
जो एक जबरदस्त हिट थी अपने जमाने में। उस फिल्म में कैरेक्टर मुरारी याद है आपको? अरे वही जिसका असली नाम तो ईसा भाई सूरत वाला था, लेकिन राजेश खन्ना का किरदार आनंद उसे पहली मुलाकात में मुरारी कहकर पुकारता है। जी हाँ, अपने जॉनी वॉकर जी। इस साल आनंद फिल्म को रिलीज हुए 53 साल हो गए हैं। 12 मार्च 1971 को आनंद रिलीज हुई थी। फिल्म के आखिर में जॉनी वॉकर यानी ईसा भाई आनंद से मिलने जाते हैं। ईसा भाई को नहीं पता कि आनंद को कैंसर हो गया है। ईसा भाई एक नाटक के लिए आनंद से मिलने आए हैं। वहाँ उन्हें बाबू मोशाय डॉक्टर भास्कर बैनर्जी से पता लगता है कि आनंद को कैंसर हो गया है और वो आखिरी स्टेज पर है। ईसा भाई को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी जब वो आनंद से मिलते हैं तो उसी गर्म जोशी से पेश आते हैं जैसे कि हमेशा आते हैं। यहाँ आनंद से वो हल्की फुल्की मजाकिया बातें करने की कोशिश करते हैं, फिर खुद पर काबू नहीं रख पाते और बाहर आकर रोने लगते हैं। लेकिन रोते वाले उस सीन में जॉनी वॉकर यानी ईसा भाई सूरत वाला अपने मुंह को रुमाल से छिपा लेते हैं। अब इस सीन से जुड़ी एक कहानी है। जब इस सीन की शूटिंग चल रही थी तो जॉनी वॉकर जी ने ऋषिकेश मुखर्जी साहब से कहा, क्यों ना ऐसा हो कि मैं जब रोते हुए कमरे से बाहर निकलूं और बेंच पर बैठूं तो अपना मुंह रुमाल से ढक कर रहूं। ऋषि दा ने जॉनी वॉकर से पूछा कि उन्हें ये आइडिया क्यों और कैसे आया, तो जॉनी वॉकर साहब बोले, ये फिल्म का क्लाइमैक्स है, लोग ये सीन देखकर रो उठेंगे, लेकिन मुझे डर है कि मुझ जैसे कॉमेडियन को रोता देखकर कहीं वो हंस ना दे। ये बात ऋषि दा को भी समझ आ गई। उन्हें भी लगा कि जॉनी वॉकर एकदम सही कह रहे हैं, लोग उन्हें रोते देखकर हंस भी सकते हैं। उन्होंने जॉनी वॉकर की सलाह को मानते हुए सीन को ऐसे ही शूट किया। और अगर आप कभी ये फिल्म आनंद देखेंगे यूट्यूब पर तो इस सीन पर गौर कीजिएगा, आपको ये कहानी जरूर याद आएगी। तू दिल मेरा लौटा दे, अंग्रेजी साहिब जादे मेरी तौबा। तुम पहले दिल है देता फिर उसको वापस लेता, तुम है कैसा। तू दिल मेरा लौटा दे, अंग्रेजी साहिब जादे मेरी तौबा। दिल है देता फिर उसको वापस लेता, तुम है कैसा। पास खड़े लहराना कभी प्यार से भी घबराना, कभी फूल कभी तू कांटा, तेरा राज न हमने जाना, ओ तेरा राज न हमने जाना। तू दिल मेरा लौटा दे, अंग्रेजी साहिबजादे मेरी तौबा। तुम पहले दिल है देता फिर उसको वापस लेता, तुम है कैसा। मुझे देखना यूं हर जाए, मेरी
लौटा दे अंग्रेजी साहिब जादे मेरी तोबा। तुम पहले दिल है देता फिर उसको वापस लेता तुम है कैसा। ये गाना भी आपने सुना फिल्म माई बाप से, जो सन 1957 में रिलीज हुई थी। संगीत ओपी नैयर का, आवाजी मोहम्मद रफी गीता दत्त की, गाने के बोल जान निसार अख्तर ने लिखे और पर्ते पर थे जॉनी वॉकर और मीनू मुमताज। और अब बात करते हैं आनंद फिल्म के एक बड़े मशहूर डायलॉग के बारे में। अब्बा हुजूर, हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। लगी सर, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे अब्बा हुजूर। तू पैदा होते क्यों ना मर गया। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु, वाह मान गए। जी हाँ, ये आनंद फिल्म का डायलॉग है। आनंद में ये डायलॉग 3 दफा बोला गया है। एक तो सबसे आखिर में, जब राजेश खन्ना के किरदार आनंद की मौत के बाद टेप रिकॉर्डर प्ले होता है तब। उससे पहले यही डायलॉग तब बोला जाता है जब आनंद और डॉक्टर भास्कर बैनर्जी अपनी अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। और पहली दफा ये डायलॉग तब बोला जाता है जब जॉनी वॉकर साहब स्टेज पर अपने नाटक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको सुनाया। और जॉनी वॉकर जी ही हैं जो ये डायलॉग पहली दफा बोलते हैं। वैसे यहाँ हमें ऋषिदा की तारीफ करनी पड़ेगी। एक ही डायलॉग को उन्होंने कितने आराम से 3 दफा फिल्म में इस्तेमाल कर लिया और तीनों सिचुएशंस पर डायलॉग एकदम फिट बैठता है। पहली दफा कॉमेडी होती है, दूसरी दफा हालात एकदम नॉर्मल होते हैं और आखिरी दफा तो जब ये डायलॉग फिल्म में आता है तब फिल्म देख रहा हर इंसान अपनी आंखों में आंसू लिए बैठा होता है। बच के बलम चल के रास्ता है मुश्किल, मोहब्बत के बाजार का कभी भूलोगे तुम कभी भूलेंगे हम, है जब राज इस प्यार का। बचना है मुश्किल जो मिलते हैं दो दिल मोहब्बत के बाजार में, कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। ये जवां बंबई के नजारे ये चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे, ये जवां बंबई के नजारे के चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे। बहारों के मेले में झगड़ा न करना ये मौसम है इकरार का। हाय बचना है मुश्किल जो मिलते हैं दो दिल मोहब्बत के बाजार में, कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। ये दिल्ली की मदहोश गलियां है उल्फत की रंगीन कलियां, यहाँ तो मिलेंगे हजारों ही जलवे मोहब्बत के दरबार में। बच के बलम चल के रास्ता है मुश्किल मोहब्बत के बाजार का, कभी भूलोगे तुम कभी भूलेंगे हम, है अजब राज इस प्यार का। ये हंसी ताज जमुना किनारा है मोहब्बत का जिंदा नजारा,
खजाना लिए प्यार का। हाय बचना है मुश्किल जो मिलते हैं दो दिल मोहब्बत के बाजार में। कभी गम की घटा कभी ठंडी हवा है मोहब्बत के गुलजार में। ये गाना आपने सुना फिल्म जॉनी वॉकर से, जो 1957 में रिलीज हुई थी। ये गाना फिल्माया गया था श्यामा और जॉनी वॉकर पर, गाया था गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने, लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत था ओ पी नैयर का। अब बात करते हैं जॉनी वॉकर साहब की शादी की। जब जॉनी वॉकर ने नूर जहां जी को शादी के लिए प्रपोज किया था तो नूर जहां जी ने एक शर्त रख दी थी। उन्होंने जॉनी साहब से कहा कि देखो जॉनी, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना पड़ेगा, एकदम छोड़ना पड़ेगा। इत्तफाक से जब इन दिनों की ये बात हो रही थी तब भी जॉनी वॉकर सिगरेट ही पी रहे थे। उस जमाने में वो बहुत सिगरेट पिया करते थे, लेकिन नूर जहां जी की बात सुनकर जॉनी वॉकर बोले, बस इतनी सी बात, ठीक है, आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और उन्होंने फौरन अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को फेंक दिया। जॉनी और नूर जहां जी के बेटे नासिर खां बताते हैं कि उस दिन के बाद फिर कभी जॉनी वॉकर साहब ने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। कैसे हुई थी इन दोनों की मुलाकात? नूर जहां से जॉनी की मुलाकात गुरुदत्त साहब की फिल्म आर पार के सेट पर हुई थी। जॉनी इस फिल्म में एक बड़े अहम किरदार में थे और नूर जहां जी ने उनकी प्रेमिका का किरदार निभाया था। दोनों पर एक गीत भी पिक्चराइज किया गया था जिसके बोल थे, अरे ना 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 तौबा तौबा, रियल लाइफ का रोमांस रियल लाइफ में कब तब्दील हो गया ये पता ही नहीं चल सका। आर पार फिल्म में नूर जहां जी की बड़ी बहन एक्ट्रेस शकीला ने भी एक बड़ा ही अहम किरदार निभाया था। अरे वम 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 ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रहता नंबर कैसा होगा। सर तेजी कर से मैं भी कहूँ बहुत करो ऐसा ना जुलम, अरे हो जाएगा फेल अभी हारत हमारा तेरे सर की कसम। सर तेजी कर से मैं भी कहूँ बहुत करो ऐसा ना जुलम, अरे हो जाएगा फेल अभी हारत हमारा तेरे सर की कसम। चिची 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 करो ना ऐसी बात, देखो 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 छोड़ो जी मेरा हाँ। चिची 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 करो ना ऐसी बात, देखो 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 छोड़ो जी मेरा हाँ। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम तोबा तोबा। जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़ ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़ ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। हाँ का तू अंकल बंदर का तू बाप, वो को नहीं बंदर रहो जी चुपचाप। मारा बाप बीच का तू अंकल बंदर का तू बाप, अरे वो को नहीं बंदर रहो जी चुपचाप। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम तोबा तोबा। सच कहो
रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल, कहता तो होगा मन करूँ तो दो पत्तियाँ किसी से हिल मिल। सच कहो रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल, कहता तो होगा मन करूँ तो दो पत्तियाँ किसी से हिल मिल। मैं कोई रोगी अजब तेरी बात सुनती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। एमके मैं कोई रोगी अजब तेरी बात सुनती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा, तोबा काय को करता, तोबा काय को करता, प्यार से करता ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे न न न न न तोबा तोबा मैं न क्या करूँगी, मैं न क्या करूँगी कभी किसी से तोबा है बलम तोबा तोबा। अरे वाह 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 ऐसा कैसा होगा, अरे न न न न न न तोबा तोबा अरे वाह 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 अरे न न न न न अरे वाह वाह वाह। ये था वो गाना फिल्म आर पार से जो सन 1954 में रिलीज हुई थी। गाया था गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। लिखा था इस गाने को मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत ओपी नैयर का और पर्दे पर थे जॉनी वॉकर और नूरजहां। 17 अगस्त सन 1955 को जॉनी वॉकर की नूरजहां से शादी हुई थी। इस शादी में शम्मी कपूर और गीता बाली भी शरीक हुए थे। उन दिनों वो दोनों प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे और उस शादी में शम्मी कपूर ने जॉनी वॉकर जी से कहा, जॉनी तुमने और नूर ने तो शादी कर ली है, अब मेरी और गीता की भी शादी करवा दो। दरअसल में शम्मी कपूर और गीता बाली बिना अपने घर वालों को बताए शादी करना चाहते थे। स्थिति ऐसी थी कि शम्मी कपूर के माता पिता उस वक्त भोपाल में थे, शम्मी जी के छोटे भाई शशि कपूर भी उनके ही साथ वहाँ थे। वो वहाँ एक नाटक करने गए थे पृथ्वी थिएटर्स के लिए और गीता बाली जी नहीं चाहती थी कि उनके घर वालों को पता चले कि वो शम्मी जी से शादी कर रही हैं, शायद वो खुश ना होते। खैर जब शम्मी कपूर ने जॉनी वॉकर से अपनी और गीता बाली की शादी कराने को कहा तो जॉनी साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने शम्मी जी से कहा, इतनी रात को तुम दोनों की शादी कैसे होगी भाई? और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ, मस्जिद में शादी कर ली, तुम्हें तो किसी मंदिर में शादी करनी होगी। अब वो शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई वो एक अलग कहानी है, वो मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। लेकिन किसी तरह अपने दोस्त जॉनी वॉकर की शादी के ठीक एक सप्ताह बाद यानी 24 अगस्त सन 1955 को शम्मी कपूर जी ने अपनी प्रेमिका और उस वक्त की नामी एक्ट्रेस गीता बाली से शादी कर ली। हे सुनो सुनो मिस चैटर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी, BETTER बैटर, BETTER बैटर। सुनो सुनो मिस चैटर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी, BETTER बैटर, BETTER बैटर। यूं कहां चली हो 50 की रफ्तार से, दिल वाला कोई कूद न जाए चलती मोटर कार से। अरे बंठन के यूं कहां चली हो 50 की रफ्तार से, दिल वाला कोई कूद न जाए चलती मोटर कार से। चलते चलते पढ़ती जाओ दिल का ओपन लेटर जी, LETTER लेटर, LETTER लेटर। फाड़ दे
सुनो सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी, BETTER बैटर, BETTER बैटर। देखे ना जा मुझको देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी, झांसा देखे ना जा मुझको देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी, होए होए मरते मरते लिख जाऊंगा गवर्नमेंट को लेटर जी, LETTER letter, LETTER letter। सुनो सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी, BETTER BETTER बैटर। ये गाना आपने सुना फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी, जो सन 1967 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, लिखा था शिवेन रिजवी ने, संगीत था ओपी नैयर का, और इसे फिल्माया गया था जॉनी वॉकर और माधवी पर। तो मैं आपको बात बता रही थी शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी की। अब ये शम्मी कपूर का जिक्र मैंने क्यों किया और ये कहानी में कैसे आए आपको बताती हूँ। देखिए, शम्मी कपूर के लिए उनके करियर के शुरुआती साल कतई आसान नहीं थे। भले ही उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर स्टार थे, लेकिन उन्हें सफलता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। उनकी बैक टू बैक 19 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं, और एक वक्त वो आ चुका था जब शम्मी कपूर ने प्लानिंग कर ली थी कि वो दार्जिलिंग में एक टी एस्टेट में मैनेजरी करेंगे, यानी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे। दूसरी तरफ उसी दौरान जिस तेजी से जॉनी वॉकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, वो तो गजब था। साल 1956 में आई छूमंतर नाम फिल्म में तो जॉनी वॉकर को लीड रोल दे दिया गया था, और वो फिल्म भी हिट रही थी। शम्मी कपूर जी की किस्मत बदली साल 1957 में। उस साल आई नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा ने ना सिर्फ शम्मी कपूर को सफलता का स्वाद चखाया, बल्कि स्टारडम भी दिया। 1958 में जॉनी वॉकर और शम्मी कपूर की एक फिल्म आई जिसका नाम था मुजरिम। फिर ये दोनों दिखे 1960 में फिल्म बसंत में। इन फिल्मों में काम करने के दौरान जॉनी वॉकर संग शम्मी कपूर की बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई, लेकिन शम्मी कपूर को ये भी एहसास हो गया कि जिस फिल्म में जॉनी वॉकर होते हैं उसमें हीरो से ज्यादा लोग जॉनी वॉकर को देखना पसंद करते हैं। जॉनी वॉकर साहब के पुत्र नासिर खान ने एक इंटरव्यू में ये बयां किया कि शम्मी कपूर साहब ने कुछ प्रोड्यूसर्स से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी फिल्मों में जॉनी वॉकर साहब को ना लिया जाए, क्योंकि अगर जॉनी वॉकर फिल्म में होंगे तो फिर उन्हें कोई देखना नहीं पसंद करेगा, सारा क्रेडिट जॉनी वॉकर ले जाएंगे। यहीं से शम्मी कपूर साहब की फिल्मों में बतौर कॉमेडियन राजेंद्र नाथ जी नजर आने शुरू हो गए थे। शम्मी कपूर प्रोड्यूसर्स से कहा करते थे कि जॉनी वॉकर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन फिल्म में उनकी मौजूदगी मेरे लिए नुकसानदायक है। जॉनी वॉकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो पहले कॉमेडियन हैं जिनके साथ स्टार लोग भी काम करने से घबराते थे। स्टार्स को डर होता था कि जॉनी वॉकर की प्रेजेंस में उनकी वैल्यू फिल्म में कम हो जाएगी। बाद में ऐसा ही रुतबा सिर्फ एक कॉमेडियन को ही मिल सकता है, और वो थे महमूद साहब। महमूद साहब के साथ काम करने में भी कई स्टार्स के पसीने छूट जाते थे। इनफैक्ट फिल्म नया दौर की कास्टिंग के दौरान दिलीप कुमार चाहते थे कि नया दौर में उनके बचपन के दोस्त मुकरी को बतौर कॉमेडियन कास्ट किया जाए, मगर बी.आर. चोपड़ा साहब ने जॉनी वॉकर को कास्ट किया, क्योंकि जो इमेज अपने दिमाग में उन्होंने अपनी फिल्म के कॉमेडियन के तौर पर सोची थी उसमें जॉनी वॉकर ही फिट बैठ रहे थे।
अगर आप लोगों ने नया दौर फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा कि जॉनी वॉकर साहब की एंट्री जब होती है तो फिल्म एक अलग ही पेस पकड़ लेती है। उस वक्त सिनेमा घरों में जो लोग नया दौर देख रहे थे वो जॉनी वॉकर की सीन्स पर तालियां बजा रहे थे, सीटियां मार रहे थे। उस फिल्म में जॉनी वॉकर पर एक गाना भी पिक्चराइज था जिसके बोल थे, मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा मस्ताना, और वो गाना गाया था मोहम्मद रफी ने। जानी मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, तो मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। और तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। एक मुल्क की सुनो कहानी, मिली वहां एक हुस्न की रानी। जब तक था कलदार जेब में तब तक थी हर बात सुहानी। एक दिन बोली, सुनो सनम, माल हजम और खेल खत्म, चली गई वो मुझे छोड़ कर दे के ठंडा पानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। दूजे मुल्क गया मैं यार, मिल गई एक बाकी सरकार। खूब हुआ पहले तो प्यार, बाद में मुझको हुआ बुखार। एक दिन बोली, जानी यार हम जाता तुम है बीमार, साथ किसी के भाग गई वो देकर ठंडा पानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घूम के बना हूँ हिंदुस्तानी। और तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। तीजे मुल्क का देखो पोल, मिल गई मैडम तालम टोल। देख के इसका प्यारा मुखड़ा, मैं तो हो गया डावा डोल। की वो साथी निकली, कर गई मेरा बिस्तर गोल, सारा माल उड़ा कर ले गई, दे गई ठंडा पानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों भाई, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। जानी हिंदुस्तान में आया, देखी चंपा दिल ललचाया, जाके मिला उसकी अम्मा से, शादी का पैगाम टिकाया। हो गई शादी, मिल गई चंपा, दस बच्चों का बाप कहाया, इसका सच्चा प्यार देख के बन गया हिंदुस्तानी। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। अरे तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी, ओ मैं हूँ जानी बड़ा तूफानी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, विजयंती माला, अजीत, चांद उस्मानी और जीवन।
ये गाना तो फिल्माया गया था जॉनी वॉकर पर, इसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत था ओपी नैयर का। प्यासा जैसी डार्क फिल्म में जॉनी वॉकर साहब को ये मस्ती भरा गीत कैसे मिला था? ना तो इस गाने की कोई प्लानिंग थी और ना ही ये तय था कि जॉनी वॉकर प्यासा फिल्म में होंगे। वैसे गुरुदत्त चाहते थे कि श्याम वाला कैरेक्टर जॉनी वॉकर से कराया जाए, लेकिन अंत में वो ये भी समझ गए थे कि वो किरदार जॉनी वॉकर की शख्सियत से एकदम उलट है, वो आखिर में जाकर नेगेटिव हो जाएगा और लोग उसमें जॉनी वॉकर को पसंद नहीं करेंगे। एक दिन गुरुदत्त ने लेखक अबरार अलवी से कहा कि तुम इस फिल्म में जॉनी वॉकर के लिए कोई कैरेक्टर डेवलप करो। अबरार अलवी ने साफ इनकार कर दिया। वो बोले, प्यासा इतनी इंटेंस फिल्म है, इसकी थीम इतनी डार्क है, इसमें भला जॉनी वॉकर को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। मगर गुरुदत्त नहीं माने। वो कई दिनों तक अबरार अलवी से इसी बारे में चर्चा करते रहे कि जॉनी को इस फिल्म में कैसे लाया जा सकता है। वो जब भी अबरार अलवी से जॉनी वॉकर के बारे में बात करते, अबरार अलवी उन्हें यही जवाब देते कि प्यासा एक सीरियस फिल्म है, इसमें मस्ती मजाक का कोई स्कोप नहीं है। और गुरुदत्त हर दफा उनसे यही कहते कि कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। एक दफा तो गुरुदत्त और अबरार अलवी के बीच जॉनी वॉकर को लेकर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुरुदत्त जी ने साफ कह दिया कि अगर जॉनी वॉकर फिल्म में नहीं होगा तो मैं ये फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। वहीं अबरार अलवी ने भी ये कह दिया कि जॉनी वॉकर के लिए मैं ये कहानी खराब नहीं होने दूंगा। यानी कि मामला एकदम टेंस हो गया था। एक दिन प्यासा के ही एक सीन की शूटिंग के लिए गुरुदत्त, अबरार अलवी व जॉनी वॉकर तथा अन्य लोग कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में भी फ्री टाइम में इसी बात का जिक्र चलता रहा कि जॉनी वॉकर को प्यासा में लिया जा सकता है या नहीं। एक दिन गुरुदत्त ने अबरार अलवी और जॉनी वॉकर को साथ लिया और होटल के सामने मौजूद विक्टोरिया गार्डन में जाकर आराम से बैठने का फैसला किया। उस दिन तय किया गया था कि आज काम के बारे में कोई बात नहीं करेगा, आज सिर्फ आराम किया जाएगा, चाय वगैरह पी जाएगी और पुचके का स्वाद लिया जाएगा। विक्टोरिया गार्डन के एक दुकान पर ये तीनों पुचके खा रहे थे कि तभी गुरुदत्त साहब के पीछे से आती एक आवाज सुनाई दी, मालिश तेल चंपी। गुरुदत्त ने उस आवाज की तरफ देखा, उन्हें एक मालिश वाला ये आवाज लगाते दिखा। फिर उन्होंने अबरार अलवी से कहा, अबरार तुम कहते हो ना कि ये फिल्म बहुत हेवी है, ये इतनी इंटेंस है कि इसमें कॉमेडी डाली ही नहीं जा सकती, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये फिल्म कतई बोझल लगने लगे, इसलिए तुम फिल्म में एक चंपी वाले का रोल डालो, ये रोल जॉनी करेगा और ये बीच बीच में लोगों की टेंशन दूर करता रहेगा। बस कंडक्टर की नौकरी से पहले जॉनी वॉकर मुंबई के माहिम इलाके में रात के लगने वाले मेले में साइकिल पर विभिन्न प्रकार के सामान बेचा करते थे। ये मैंने आपको प्रोग्राम में पहले भी बताया था और उस वक्त वो तरह तरह की आवाजें निकाला करते थे। गुरुदत्त इस बात से वाकिफ थे तो उन्होंने उस दिन कलकत्ता में जॉनी वॉकर से कहा कि तुम ऐसे ही आवाज बदल कर इस मालिश वाले की नकल करने की कोशिश करो। फाइनली अबरार अलवी को भी गुरुदत्त जी के इस आइडिया से कन्विंस होना पड़ा और आखिरकार उन्होंने प्यासा के लिए अब्दुल सत्तार का किरदार लिखा और उस किरदार के लिए एक पूरा गाना भी साहिर लुधियानवी जी से लिखवाया गया। गाने को रफी साहब ने अपनी आवाज दी और एक कालजयी गीत बना और ये गीत जॉनी वॉकर साहब की पहचान बन गया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी।
सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। आपको तो पता ही होगा कि इस गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। और जब हम इस गीत को फिल्म में देखते हैं या वीडियो में देखते हैं, तो हमें लगता है कि मानो कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन में ही फिल्माया गया है, लेकिन वास्तव में ये गीत बॉम्बे में ही कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन जैसा दिखने वाला सेट लगाकर फिल्माया गया था। एक एक स्ट्रीट लाइट, बेंच और फेंसिंग का ध्यान बड़ी बारीकी से रखा गया था इस सेट का निर्माण करते वक्त, ताकि कोई ये अंदाजा ना लगा सके कि ये गीत विक्टोरिया गार्डन में नहीं कहीं और शूट हुआ है। अब एक और बड़ा मजेदार किस्सा है। बुढ़ापे में जॉनी वॉकर और मुकरी दोनों के दांत गिर गए थे और दोनों को ही डेंचर्स पहनना पड़ता था। एक दफा दिलीप कुमार के साथ जॉनी वॉकर और मुकरी दोनों किसी नेता के चुनाव प्रसार में पहुंचे। रात को उन्हें एक होटल में ठहराया गया। दिलीप कुमार उस रात जल्दी सोने चले गए। मुकरी और जॉनी वॉकर बैठे बातें कर रहे थे। इनके एक दोस्त यूसुफ लकड़ावाला इनके साथ थे। यूसुफ लकड़ावाला ने उस दिन इनके साथ एक प्रैंक कर दिया। दरअसल में रात को जब ये दोनों अपने डेंचर निकालकर बात कर रहे थे, तो यूसुफ लकड़ावाला ने चुपके से इनके डेंचर्स आपस में बदल दिए। मुकरी के डेंचर साइज में जरा छोटे थे। सुबह जॉनी वॉकर मुकरी से पहले जाग गए। उन्होंने अपने डेंचर पहनने की कोशिश की, लेकिन वो डेंचर उनके मुंह में फिट ही नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, वो तो मुकरी के डेंचर थे। उस दिन 2 घंटे तक जॉनी वॉकर वो डेंचर अपने मुंह में फिट करने की कोशिश करते रहे। फाइनली जब मुकरी जगे और उन्होंने जॉनी वॉकर से कहा कि जाने क्यों आज उनका डेंचर ढीला आ रहा है, तो जॉनी को समझ में आ गया कि कुछ लफड़ा है। उन्होंने मुकरी से वो डेंचर लिया और पहना। चूंकि वो उनका ही डेंचर था, तो फौरन फिट हो गया। फिर उन्होंने मुकरी साहब को वो डेंचर पहनने को दिया जिसके साथ वो सुबह से माथापच्ची कर रहे थे। मुकरी साहब का डेंचर भी उनके मुंह में फिट हो गया। वो ये तो समझ गए कि उनके डेंचर आपस में बदल गए थे, लेकिन बदले कैसे थे ये उन्हें अभी समझ नहीं आया था।
और जब जॉनी वॉकर ने यूसुफ लकड़ावाला से पूछने के लिए उनकी तरफ देखा तो यूसुफ लकड़ावाला अपनी हंसी पर काबू न रख सके। जॉनी वॉकर समझ गए कि ये यूसुफ की ही शरारत है। वो जोर से हंसे और उन्हें पीटने के लिए उनके पीछे दौड़े। फिर जब उन्होंने मुकरी साहब को पूरा मामला बताया तो मुकरी भी जोर जोर से हंसे। ओ पीटर ओ ब्रदर हैरी, ओ वल्ला ओ मिस्टर वेरी, मिस्टर आयर आर यू देयर, हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी, हम तुम जिसे कहता है शादी, लूनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, डालो कहीं पे भी डेरा, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, डालो कहीं पे भी डेरा, सड़कों पे गाओ सीटी बजाओ, कर दो कहीं भी सवेरा, वाह 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 वाह, हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। जिस घर में हम रख दें कदम, होती है क्या खातिरदारी, जिस घर में हम रख दें कदम, होती है क्या खातिरदारी, शादी जो की छुट्टी हुई, सूरत न देखेगी प्यारी, ओ नो 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 नो, हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड जो जाएगी आजादी। रंगीनियां ये मस्तियां, सब कुछ है यारों के दम से, रंगीनियां ये मस्तियां, सब कुछ है यारों के दम से, किस्मत की बात खुशियां हैं साथ, दुनिया क्यों जलती है हमसे, वाह 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 वाह, हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड जो जाएगी आजादी। मिस्टर आयर डिड यू हियर, ये गाना था फिल्म कागज के फूल से जो 1959 में रिलीज हुई थी। फिल्माया गया था जॉनी वॉकर पर जो एक क्लब में है, और इसे गाया था मोहम्मद रफी ने, लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था एस डी बर्मन का। अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले जॉनी वॉकर ने यूसुफ लकड़ावाला से 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे।
किन्हीं वजहों से वो तय समय पर यूसुफ लकड़ावाला को उधार की वो रकम लौटा ना सके। लेकिन अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले एक दिन यूसुफ लकड़ावाला के पास जॉनी वॉकर का फोन आया। उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला को घर आने को कहा। यूसुफ जब उनके घर पहुंचे तो 2.5 लाख रुपए उनकी तरफ बढ़ाते हुए जॉनी वॉकर ने कहा, मरने से पहले हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। जॉनी साहब ने पैसे लौटाने में हुई देरी पर यूसुफ लकड़ावाला से अफसोस भी जताया। यूसुफ लकड़ावाला को वो 2.5 लाख रुपए थमाने के बाद जॉनी वॉकर बोले, अब मैं खुश हूँ, मुझे सुकून रहेगा कि मरने से पहले मुझ पर किसी का कर्ज नहीं रहा। गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए। नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के जहां में और हमारा कहां ठिकाना है, और हमारा कहाँ ठिकाना है, तुम्हारे दर से कहाँ उठ के हमको जाना है। जो हो सके तो मुकद्दर मेरा जगा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के किसी बहाने से तुम्हारी आस लगाए हैं इस जमाने से। कभी तो अपनी मोहब्बत का आसरा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के तुम्हारे बिन तो हमें मौत भी ना आएगी।
किसी के प्यार को, किसी के प्यार को आसान नहीं मिटा देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना गरीब जान के। ये गाना आपने सुना फिल्म छू मंतर से, जिसे लिखा था जान निसार अख्तर ने, गाया था मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने, फिल्माया गया था जॉनी वॉकर और अमिता गुहा पर। और यहीं पर खत्म होती हैं मेरी बातें जो जुड़ी हुई थीं जॉनी वॉकर की जिंदगी के कुछ किस्से और कहानियों की। और अंत में चलते चलते ये यादगार गीत मिस्टर और मिसेस 55 फिल्म से, जो एक बार फिर फिल्माया गया था जॉनी वॉकर साहब पर, और आवाज जो उनकी पहचान बन गई थी मोहम्मद रफी की। जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चारा ने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चारा ने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से, ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पहिया तो फिर बतलाऊंगी, बातें हैं नजर की नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पहिया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, और अगर आया तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स छोड़िएगा, और एक छोटी सी दरख्वास्त कि अपना प्यार बनाए रखिए, हमसे जुड़े रखिए। ये प्रोग्राम पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें अपने सुझाव भेजते रहिए। अगले प्रोग्राम तक मैं अलविदा लेती हूँ, मैं हूँ आपकी आशा की किरण। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।